हेलो, गुड मॉर्निंग फाउंडर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप ज़बरदस्त होंगे। और कल रात का इंटरनेशनल जो हमारा एस के साथ कॉरपोरेट वेबिनार था दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहा। और डॉक्टर सोहा ने बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। और एक बात स्पष्ट रूप से क्लियर कर दी गई कि वी आर ओनली 12 days लेफ्ट, 12 दिन रह गए हैं। हम ग्लोबल लॉन्च करने जा रहे हैं और पर्दा उठने जा रहा है पूरी दुनिया के लिए ऑन पैसिव को लेकर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है ध्यान रखने की कि जितने भी हमारे प्राउड फाउंडर्स हैं, जो भाई हमारे अभी तक जिन्होंने लॉगिन नहीं किया है, तो सबसे पहला जो अभी काम करना है वो ये करना है कि आप अपने बैक ऑफिस में अपने अकाउंट में लॉगिन कीजिए। वहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पर जो 3 एरो दिखती है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका बैक ऑफिस की पूरी लिस्ट खुलेगी। वहाँ पर ओ मेल का एक हमारा टूल है, उस ओ मेल टूल में जाइए और अपनी ओ मेल क्रिएट कीजिए। बहुत आसानी से, बहुत ही फ्रीक्वेंसी के साथ वो ओ मेल आपका क्रिएट हो जाएगा। जो आपकी जी मेल है आप उसको से एज इट इज़ भी रख सकते हैं, अदरवाइज और कोई भी कुछ चेंज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है अभी अपना ओ मेल अकाउंट क्रिएट करना, क्योंकि जैसे ही हमारा न्यू डैशबोर्ड आएगा OBS ऑन पैसिव बिजनेस सॉल्यूशन, वहाँ पर आप डायरेक्ट अपने ओ मेल से आप लॉगिन कर पाएंगे और सेम पासवर्ड रहेगा जो आपका ओ फाउंडर का पासवर्ड रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट साथियों के अपनी ओ मेल ज़रूर 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 क्रिएट कर लीजिए। और जो ऐसे दोस्त हैं आपके साथी जिन्होंने जिनको आपने फाउंडर मेंबरशिप दिलवाई है, अगर वो अभी तक उन्होंने अपने ओ फाउंडर में लॉगिन नहीं किया है तो डेली बेसिस पर अपने ओ फाउंडर अकाउंट में जाकर लॉगिन करें, अपडेट्स चेक करें। टच में रहना बहुत ज़रूरी है, एंगेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर कल को बाद में आप ये कहेंगे कि हमें ये नहीं पता, हमें वो नहीं पता, हम कैसे करें। तो इसलिए आपकी एंगेजमेंट ऑन पैसिव के साथ बहुत ज़रूरी है साथियों। तो आप लगातार टच में रहें ऑन पैसिव, ओ फाउंडर के टच में, बैक ऑफिस के टच में रहें। तो सबसे पहला अभी जो स्टेप है वो ये है कि आप सभी लोग अपनी ओ मेल क्रिएट कर लें। ओ मेल क्रिएट करने के लिए आपको बैक ऑफिस में जाना है और वहाँ पर आपको ओ मेल का हमारा टैब दिखेगा, उस टैब पर आप क्लिक करेंगे और आगे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। बहुत ही इजी स्टेप है वो, विद इन 1 मिनट 2 मिनट में आपकी ओ मेल क्रिएट हो जाएगी और वो आपको आगे आने वाले समय में, जो अभी कुछ ही दिनों के अंदर आपको OBS मिलेगा, OBS में सिंगल लॉगिन में आप अपने अकाउंट में जाएंगे, वहाँ पर आपको फ्री टूल्स ओ मेल और ओ ट्रिम और ओ कनेक्ट और ये इन सारे टूल्स को यूज़ करने को मिलेगा। तो बी केयरफुल दोस्तों, और अपनी जानकारियों, बैक ऑफिस की जानकारियों को कहीं भी शेयर मत कीजिएगा। ओ मीडिया पूरे इस पर निगाह बनाए रखे है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है दोस्तों, के हमारी कल्पनाओं से बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। हम एक नया इंटरनेट ऑन पैसिव, एक नया इंटरनेट ही बनाने जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपको एंगेजमेंट हो जाना चाहिए। आप चाहे कितना भी कुछ भी हो, फिर कुछ लोग कहेंगे कि ऑन पैसिव क्या करता है, क्या हो रहा है, ये कैसे होगा, ये वैसे होगा। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान ना देखते हुए ऑन पैसिव के साथ अटैच रहिए, टच में रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, वी आर सो इन इट टू विन इट। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी ये मैं इस ऑडियो को पहुँचाएँ ताकि वो लोग आगे अपना काम कर सकें। तो विश यू ऑल द बेस्ट, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू वेरी मच। जी हरीश, वेल डन, बहुत अच्छा। मैंने भी रात ग्रुप में मेरे में ये कन्वे कर दिया था कि अभी सब जितने भी फाउंडर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग अपना ओ मेल में जा करके अपना ओ मेल क्रिएट कर लें, क्योंकि अभी नेक्स्ट जो अभी OBS हमारा आने वाला है ऑन पैसिव बिजनेस सॉल्यूशन, उसके अंदर जो लॉगिन होगा वो सिर्फ उसी ओ मेल के थ्रू ही होगा। तो वो अब सब क्रिएट कर लें अपना और उसको साइड में अलग से नोट कर लें। बहुत अच्छा आपने ये बताया। और दूसरी एक बात और जो ऐश ने कवर की रात को, क्योंकि ज़्यादातर उसका इंडिया में हंगामा चल रहा था कि अभी ई के वाई सी वो कैसे हो गया, क्या करना है, तो वो भी रात जो बिल्कुल एक तरह से एबोलिश कर दी गई है, उसकी नो नीड एट ऑल, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जब आपके वॉलेट से पैसा आपने ट्रांसफ़र करना होगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर,
तब उसकी थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन या वेरिफिकेशन आपका सिस्टम मांगेगा, तो उस वक्त पे जो भी कुछ मांगता है वो सिस्टम, तो आप कर देना। अभी उसकी कोई ई केवाईसी की ज़रूरत नहीं है, अभी उसे ई केवाईसी को कंफ्यूज मत हो जाए लेकर के कि पता नहीं क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, नथिंग इज़ रिक्वायर्ड नाउ। जब आपको पैसा ट्रांसफ़र करना होगा वॉलेट से, तो आपको उस वक्त थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन या वेरिफिकेशन जो सिस्टम चाहेगा, जो उस वक्त इस्टेब्लिश किया जाएगा वो वॉलेट के अंदर, उसको आप पूरा कर देना, तो आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। दैट्स ऑल। ई केवाईसी सिर्फ इतना ही है, तो उससे अभी कोई ज़्यादा सवाल खड़े करने की जरूरत नहीं है कि ई केवाईसी कैसे करना है, क्या करना है, वो ख़त्म कर दिया गया है।